ये है दिल्ली दर्पण। कल कथा में हम भी अंग्रेजी बाबू बन गए हैं। कैसा लग रहा है? इनको दे दो पंडित जी, ले लो डॉक्टर साहब। वैसे ये तो कह नहीं सकते कि कोहिनूर वापस दो। अच्छा बताओ टोपी कैसी लग रही? अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार बड़ा दावा किया है। दरअसल लंदन के लेस्टर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है और वहां के मंच से उन्होंने ऐसा दावा किया कि अब विदेशी धरती पर भी भूचाल मच गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो बेशकीमती हीरा भारत का गौरव हुआ करता था, जो अब लंदन में है, वो उससे भारत लेकर आएंगे। और इसके बाद से लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो दावा किया है, उस दावे को बल इसलिए मिल रहा है कि लगातार कोहिनूर हीरे को भारत लाने के लिए कवायद तेज हो रही थी। लेकिन इसी बीच जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लंदन में बैठ करके वहीं पर लोगों को ललकार दिया कि जो हमारा गौरव था, जो बेशकीमती कोहिनूर हीरा था, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, जिसके सामने कोई भी चीज़ें खूबसूरत नहीं हो सकती, वो कोहिनूर हीरा भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। आपको बता दे कि कोहिनूर हीरा को लेकर के लगातार जो है कयासें लग रही थी कि कब भारत आएगा, कब कोहिनूर हीरा की भारत वापसी होगी, सरकार की ओर से क्या कुछ पहल होगा। लेकिन बीच कथा में जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कह दिया कि अब कोहिनूर हीरा वो लेकर भारत आएंगे, तो तालियों की गूंज जो है वो पूरी गूंजने लग गई। और ये सिर्फ तालियों की गूंज नहीं, बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये गूंज, यूं कहें तो ये ललकार, अब विदेशी धरती पर जिस देश में हमारा हीरा है, जिस देश में हमारा कोहिनूर है, उसी धरती पर बैठ के हजारों लोगों के सामने जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दावा करते हुए दिख रहे हैं कि जो कोहिनूर हीरा है, जो बेशकीमती हीरा है, वो अब भारत लेकर आएंगे। यहाँ आपको बता दें कि कोहिनूर को दुनिया का सबसे मशहूर और बेशकीमती हीरा माना जाता है। इसको लेकर भारत हमेशा से दावा करता आया है। मौजूदा समय में कोहिनूर ब्रिटिश ताज का गौरव है और इसे लंदन के टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। समय समय पर कोहिनूर हीरे को वापस लाने की मांग उठती रहती है। लेकिन इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लंदन में हैं, जहां लेस्टर में उनकी कथा हो रही है। लेस्टर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 22 से 28 जुलाई तक होनी है। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये दावा कर दिया कि कोहिनूर हीरा को लेकर के वो भारत पहुंचेंगे। हालांकि इसको लेकर के कवायद भी तेज हो रही है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बड़े बयान के पीछे क्या मकसद है? आखिर लंदन की धरती पर ही बैठ करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया? इसके पीछे भी कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। हालांकि भारत की सरकार लगातार ये प्रयास करती रही है कि कोहिनूर का हीरा भारत में वापस आ जाए, लेकिन अभी तक किए गए सारे प्रयास असफल साबित हुए हैं। लेकिन जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, ये बात लंदन की धरती में बैठ के कहते हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात जरूर होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर